ना कोई किसी को कभी याद कर रहा, अगर भूल जाता बुलाने से कोई। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेसिकली आज मैं व्लॉग शूट करने वाला हूँ। आज सुबह सुबह मतलब कि मैं जा रहा हूँ साइकिल के लिए, हालांकि अक्सर मैं जाता ही हूँ। तो आज मेरे साथ दो धुरंधर लोग और जा रहे हैं। वीडियो में दिखाऊंगा धुरंधर दो लोग कौन है। फिलहाल तो आज मैं स्कूटी से हूँ, वीडियो में देखता लास्ट तक, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ताला नहीं है इसका, चाबी घूम गया है। बात तो सही है। तो धुरंधर लोग यही है, आसू भैया, ब्रिजेश सर। यहाँ पे एक से एक आर्टिस्ट भी यहाँ पर आते हैं अपना मतलब वर्क सेल करने के लिए। तो बहुत ही बढ़िया जगह है विश्वनाथ मंदिर। सुबह सुबह आप कहीं भी यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे आप घूम सकते हो। यहाँ पर आकर के चीज़ें देखने लायक बिल्कुल होती हैं। यहाँ पर आप इनको तो जानते होंगे, भगवान मालवीय जी हैं। मैं दूर से ही प्रणाम करना चाहूँगा, अब मैं तो कर ही नहीं पा रहा था। तो जय श्री हरि सर। हाल जुड़ी है यार, लगता है विशेष सर कुछ भगवान से मांग रहे हैं कि मेरा कोचिंग बढ़ जाए, मेरे 5-6 ब्रांच हो जाए, मैं अरबपति बन जाऊँ। वहाँ सर चलेंगे, पेंटिंग दिखा दूँ वहाँ पर। देखिए इसमें तो घुसना पड़ेगा, इसमें घुसना पड़ेगा। अरे साफ दिख रहा है, जबरदस्त यहाँ पर काम किया गया है। एक से यहाँ पे आर्टिस्ट आते हैं काम करने के लिए, और मुझे लगता है इनका बैचलर फर्स्ट सेकेंड ईयर होगा। क्या ली सो बेटा, अप्लाइड में क्या ली हो? इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन लिया है? हाँ ठीक है तुम्हारे लिए। तब ये देखिए वो आप नहीं पता कि नहीं खड़ा वाला वो वाला। हाँ भविष्य में तुम कमजोर हो जाऊंगा तो मैं वैसा दिखूंगा सर। ये भगवान क्या जुलूम है, ठाक ठाक देखने लग रहा है। मान जी उनका नजर इधर उधर गया, कहीं दबा दिया। ये कलर है वीडियो में आप भी आओगे, मैं वीडियो को भेज भी दूंगा। मैं मस्त प्लान है। फंड करने के लिए कौन उड़ जाएगा? नाम ब्रिजेश पांडे है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। ग्राउंड देखो मैं ही हूँ जो पढ़ाता है ना। अभी बताओ अभी अभी विकासवाद की श्रेणी में आ रहा है। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। बड़ा भाई छोटा भाई क्या? अरे 40 किलो के। सॉरी सॉरी वो तीनों बोला ना, उन तीनों का भी रेट वही है। हाँ काफी ज्यादा तुमसे लोग इंस्पायर हैं, पता नहीं तुम्हें? अच्छा लगता है। हाँ नहीं ये नहीं काटूंगा नहीं मैं। बीच में बानर बोला था। बेहतरीन काम है। अगर मान लो कोई देख रहा हो तो इनको फॉलो करना, समीर नाम से। हाँ समीर नाम है मेरा। ओके तो बैठेंगे ना। यहाँ पे सारे स्कूल के बच्चे। अब हम चल रहे देखने के लिए, एक और आर्टिस्ट यहाँ पर है, ये लाइव पोर्ट्रेट बना रहे हैं यहाँ पर। अरे जानते क्या इनको सर आप? कभी कभी लगता है कि अपुन ही भगवान है। क्या बात है। अरे अभी तो कुछ नहीं था यार। यहाँ पे काफी लोग भीड़ लगाए हैं, बिल्कुल देख सकते हो आप।
काफी मात्रा में यहाँ पे लोग आए हैं देखने के लिए। मात्रा में नहीं है, संख्या में लोग आए हैं। काफी मात्रा में लोग आए हैं, काफी काफी संख्या होता है यार, ये डिस्क्रीट नंबर है ना। मात्रा में देखो, मात्रा में तो कंटिन्यूअस फ्रैक्शन हो सकता है, 3.5 लोग हो सकते हैं। बोलते हैं सब, सुने अरे यार, जो बोलता है गलत बोलता है भाई, किसी गलत न्यूज़ हो सुने, बस ऑब्जर्व करना है इनको, सुनाना तो मानूंगा। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं बहुत तेज बनाते हैं, मैं देख चुका हूँ। अभी देखते देखते अचानक उतर जाएंगे कॉपी उस पे पेपर पे। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा बड़ा बनाएगा उसको, समझ रहे? जबरदस्त लग रहा है, पता ही नहीं ये उससे जुड़े हुए बहुत पहले से, जब तब से जुड़े हैं जब से आप नहीं जुड़े हैं। और बताइए, गजब बेइज्जती है। रेस्टोरेंट के बारे में बात कर रही है, वहाँ पे शनिवार तो आप आ सकते हैं ना, वहाँ पे बहुत सारे कस्टमर रहेंगे तो आपको वहाँ पे लाइव बनाएंगे पोर्ट्रेट बिल्कुल। आप पूरा फ्लो बह रहा है, हाथ लग रहा है, ऐसे बहना बोलते हैं। सही, ये मतलब आज जो देख रही है आप ना, इसके पीछे कितना मेहनत लगा है उनका, इनका छोटी सी स्टोरी भी है पाब्लो पिकासो की, पता है कि नहीं? सुना दीजिए सर इसी में। नहीं, एक महिला थी जो कि इनका काम देखी थी। नहीं सुना, आपने सुना ही लगा गाचा ये। तो क्या हुआ बताइए। तो मतलब कि उनका एग्जीबिशन गई थी, मतलब पेंटिंग देख रही थी, तो एक ऐसे एग्जीबिशन बना के नॉर्मल पेंटिंग इनको दे दी गिफ्ट में, ऐसे औरतों को तो ले गई, उसको क्या पता लगा नॉर्मल है। अब वो पेंटिंग दाम बहुत महंगा बिक गया, काफ़ी ज़्यादा महंगा बिक गया। तो कुछ टाइम बाद मतलब कि वो महिला ने ढूंढी और मिली, बोली सर मुझे सिखा दी पेंटिंग, मतलब कितना 10 मिनट में आप काम कर रहे हो, मतलब काफ़ी करोड़ों की बिक गई। तो बोला कि आपने 10 मिनट तो देखा, लेकिन उसके पीछे जो मैंने 10 साल लगाया हुआ है, आपने बदल दिया। ये फंस गया सी है, ऊपर से वो पहले बोली थी कि कैसा बनाए हो, ये बोली थी कुल काट दी यार। मैं तो बताइए पूरा, मैं शॉर्ट में बताता ना, कुछ नहीं मैं बताता ट्रेलर, मैं मुखालफ इसका विरोध करूंगा इस कहानी का। ये भगवान क्या जुलुम है। हाँ, पहले उसने कहा था कि क्या बना दिए हो, पहले ये बोला था उन्होंने। अच्छा, बाद में वो मतलब मैंने शॉर्ट में बताता हूँ कि जाके अभी मार्केट में पता करिए, वो जब बोले ना तब जाके करोड़ों में बिका था वो, तो भागे भागे आई पागल की तरह। पागल की तरह आई थी, ऐसे बोलना होता है एम्फसाइज करने के लिए, ठीक है? पागल की तरह दौड़ते हुए भागते भागते हाफ रहती बिल्कुल एकदम। हमको भी सिखा दीजिए, बड़ी मजबूरी है, बहुत मुश्किल से गुजर बसर हो रहा है, हमारा भी काम चल जाएगा ऐसे। तो क्या बोले सर वो? वो क्या बोले कि नहीं बनाऊंगा, नहीं सिखाऊंगा। नहीं सिखाऊंगा क्या, ऐसे ऐसे पैसा लूंगा। देखिए आप लीपा पोती कर रहा है, गलत खराब सुना दिया कहानी, अब उसको लीपा पोती कर रहा है। बोलो काफी वो बाद में बहुत पॉपुलर, आप स्टोरी टेलर नहीं बन सकते, एक लाइन में सुनिए बस। ये देखिए आर्टिस्टों की नगरी है, लेकिन यही नगरी यही भारत अपना देश समझ नहीं पाया, समझ रहे ना? अब उसको बताने की जरूरत आ गई है, वो समय आ गया है कि बताया जाए उसको। बीएचयू से ये भी पढ़े हैं, ये जो है ना बगल में मेरे, जो कहानी सुनाते बहुत पूरा बेकार कर दी कहानी है पूरा। इतना बढ़िया कहानी, लोग समझ गए कहानी के बारे में, मेरा भावना समझ गए होंगे। तुमसे ना हो पाएगा, सारा खेल डार्क लाइट का है, जो समझ गया डार्क लाइट पेंटिंग कर लेगा। डार्क वाला कम नॉलेज है इनको। ये मैम जिन्होंने पेंटिंग बनवाया है, और ये भैया नाम बताया जाए, ये जो वीडियो में देख रहे प्रभास नाम है सर का, एक मतलब कि पढ़ाते भी ऑनलाइन ना, और जिस मतलब जिसको सीखना होगा ऑनलाइन पोर्ट्रेट के लिए सर संपर्क करता है, मैं इनका सर नंबर डाल दूंगा मैं, ठीक है? और वीडियो में भी, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। एक बात सर मैं मानता हूँ सर, आप बहुत अच्छे अच्छे लोग सर बीच में आप हैं,
अरे कहना क्या चाहते हो सर, ये नॉवेल आईडी अड्डा हमेशा उसके लिए परेशान रहते हैं। A few moments later. How this place actually Varanasi? It's wonderful, you know. You travel all over the world, but after coming to Varanasi, what you actually feel that? Is it different from other states? It's really different. I mean, you have people being burned next to the river. Like... Have you gone to Manikarnika Ghat? Mm-hmm. Have you gone there, Manikarnika Ghat? Yeah. So, I went there today in a boat, and I saw everything. And you know, it makes you think more about life and life. Exactly. That's an amazing experience there. Yeah. Where are you guys going now? We are actually belong from Varanasi only, and so daily we used to come here and worshiping Lord Shiva. Oh, so you're studying this university? Yes, yes, sir. Beautiful here. Yes, really feel proud that we are a part of BHU and we are part of Vishwanath Mandir. So, do you plan to? Do you ever travel outside? Yes, I guess it's my dream, but I don't know from where do I get earn money so that I can travel. That's financial issues. But look, I'll tell you one tip. If you allow me to, you don't need that much money as you think to travel. Okay. You don't need that much money. So how can I? So it's a basic thing, because without money I can't travel, because everywhere money required. So how can I do? You can have a small bit of money just so you can go somewhere and can survive for 1 month. And then when you're there, you figure out. It's survival, you know. You speak English, you're like a young boy, smart. Yes, 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 exactly. People give you money, food, accommodation, and you give energy. That's how it works. Really, it happens. I don't think so that people will give me money, but why they'll give money? Because they don't know me. If you want to help anything, they just give you food and accommodation. How many countries have you gone through? I don't know, like between 15 and 20. From where in mind will come that I have to travel the whole world? I never thought that I would travel the whole world. I just want to leave my country. Okay. Because when you're inside your country, you're being conditioned exactly to live with the culture and the rules that are there, and I want to be free. Nice to meet you. I wish Brazil. Yeah. So he knew Neymar. I just asked about Neymar. Obviously. From where do you know about Buddha? From there at Brazil only, or after coming in India you understand about Buddha? You know, everyone knows about Buddha. In Brazil also person know about Buddha. Yeah, because you know it's universal, like everywhere, right? So what and all you are enjoying Varanasi, right? It's a lot going on. Yeah, in your mind, right? Yeah, it's a lot popping out that this is, you are exploring whole Varanasi, and you are many times you are thinking different about the many things. What's the name of this? Chola samosa. It's samosa, yeah. Yeah, exactly, samosa. It's a type of samosa. Samosa. Because samosa is like different. It's like a triangle form. Yeah. Yeah. So but this one is samosa also, but they also put chola. Means क्या बोलते हैं बेटा तुमसे ना हो पाएगा. Really hot. It's good. It's really good. It's delicious, you know. But you know, I don't drink tea and I don't drink milk and I don't eat sugar. So for me, when I say okay. I was like, I'm. It's experience for sure. Okay, you drink banana shake. It's a banana and a milk banana and chocolate. Have you tried here? It's just banana and milk? Yes. No, last year I tried before. I tried in Rishikesh last year. How is it? Delicious or simple? Yeah, of course it's delicious because you have milk and you have banana. Okay, so I just recommend you just go there and you have to must try once banana shake. It's really delicious. They put sugar on it, right? A little bit. Of course. Sure. Man, like, see, that's what I realized here. Every dish, every street food, either they like, put sweet. They put like a little bit, a lot of salt, spices, masala, and sugar. Like everything. Exactly. Oh, and don't forget the milk. If they can put milk, they're gonna put milk as well. What to say? No, but it's delicious. That's what you want. You have like so many sweets, like you know the small balls. Rasgulla, gulab jamun. Yeah, like so many types, you know. Rasgulla, gulab jamun, barfi, kachi barfi, kaju barfi, many things. Yeah.
Evening 6 p.m. just go to vote. You will feel amazing at evening. Yeah. Because at evening there is Ganga Aarti in the ghat. So you used to see every ghat Aarti. So I recommend you just go at 6 p.m. and just wait by vote. Here you will go to BHU gate. And from BHU gate you will... There is the auto. And if there... Okay. Nice to meet you, I'm so... Yeah. I really love. Okay. Let me know about the video and send me your... Okay, sure, sure. I'll send you video. Okay, WhatsApp video. I have your WhatsApp number. Okay. Okay, take care. Bye. Okay, bye. See you guys. अभी हम लोग घूम चुके बिल्कुल यहाँ पर और काफ़ी मजे भी किए, एक्सप्लोर भी काफ़ी किए. तो चलते हैं बैक टू होम. अब घर जाने के बाद मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में. ठीक है, अपना ख्याल रखना, अच्छे से रहना, जहाँ भी रहना खुश रहना. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में. तो अपना ध्यान रखना. ओके, बाय. आइए, आप गेट बंद करें अभी.